और आपने मुझसे पूछा कि आपको लगता है कि उसको अपने पुराने महबूब के पास जाना चाहिए या नहीं नहीं मुझे नहीं लगता उसको जाना चाहिए क्यों क्योंकि मोहब्बत सानवी हैसियत रखती है पहली चीज आती है आपकी जुबान मोहब्बत आती है जाती है आप हैं जो अपने साथ आप में रहना है मेरा यह मानना है अपनी जुबान से आपने जो कहा है उस पर हमेशा कायम रहे वो आपने जो भी कहा है आपके पास इख्तियार है जुबान से कुछ अदा करने से पहले तक का जब कह दिया बस वहां बात खत्म होगी फुल स्टॉप ये मेरा मानना है बिल्कुल मोहब्बत शायद आपसे कोई भी कर सकता है लेकिन इज्जत आपको कोई कोई ही देगा जो नहीं है जो आपसे मोहब्बत करता है आपको इज्जत भी देगा Absolutely. लेकिन जो आपको इज्जत दे रहा है वो कहीं ना कहीं मोहब्बत भी दिल से हुँ। आपसे मोहब्बत भी करता है और प्यार करता है नरगिस को फैजुल्लाह ने इज्जत दी थी बात खत्म हो गई जिसने मोहब्बत की थी वो चला गया था जो भी मसाइल थे लेकिन इज्जत उस बंदे ने दी hmm. नरगिस अगर जाती है सिकंदर के पास तो शी विल प्रूव मी रॉन्ग देन यू hmm. नो you know? hmm. और लेकिन उसको जाना नहीं, चाहिए।, <laughs> उसको नहीं जाना चाहिए उसको नहीं जाना चाहिए उसको नहीं जाना चाहिए और हाउ व्हाट अबाउट जैनब उसको oh, तो बिल्कुल ही नहीं जाना sad, चाहिए सैड सोल सैड सोल यू नो लेकिन वो, लेकिन वो काफी जा रही है उनको जाननी चाहिए लेकिन वो काफी जा रही है आपने एक्स नहीं लेकिन आपका अगर आपको मार भी मारा भी रहा है है मुराद ने उसको और जी वो तो अस्सी परसेंट खात रह रही है अपने मियाओं के साथ पूरा पाकिस्तान उजड़ जाएगा आप कैसी बात कर रही हैं अगर मियाओं के मारने के बाद घर छोड़ने पे आ जाए कहाँ लेके जाएंगे हम तमाम औरतों को तो रहने एक फर्जा रेक्टर हंड्रेड परसेंट डाल सकेंगी राबिया को डाल सकेंगी वो शायद आप ना करें क्या ऐसा है आप ना मुझे लगता है जिन्होंने मेरे काम करना मेरे से ज्यादा फिकी है <laughs> हाँ चूजी है सो लोगों को लगता है की हाँ शायद so शायद मेरा परसोना ऐसा है कि मैं इतना रो धो नहीं सकूंगी या मैं इतनी हमदर्दियां नहीं समेट सकूंगी जबकि नरगिस ने कितनी हमदर्दी समेटी है हमारे यहाँ बड़ा शर्मोहया का बड़ा एक फैक्टर है हमारी सोसाइटी में और वो जिस बैकग्राउंड से आ रही है अगर उसके बावजूद लोग उसके साइड पे खड़े हैं उसके बड़ी तरब, बात बाद तो उसका मतलब है सिंपथी सिर्फ आंसू बहाने से नहीं आती लेकिन सही है ना लोग ये देखना चाहते हैं दैट्स फाइन बट बट जी इन माय केस आई मेक श्योर कि मैं मुझे नहीं पता किरदार कैसा है आमना मुझे बस मेरे दिल को छूने वाली बात है हाँ। और मैं कुछ ऐसी इंसान हूँ मुझे नहीं पता आज मैं सुबह किस करवट उठूंगी और उसके बाद मेरा क्या फैसला होगा और मुझे लगता है कि रब जो है वो मेरे ड्रामास के बारे में आके मुझे गाइड नहीं करते लेकिन <laughs> वो ज़मीन पर आकर आपसे बात नहीं करता हमारा रब वो आपसे आपके थॉट्स में आके बात करता है आपके गुमान में आके बात करता है तो मेरे थॉट में जब कोई चीज आती है कि आई शुड डू दिस और बाजुकात तो मैं कहती भी नहीं हूं मैंने करना चीज खुद बखुद हो जाती है मुझे समझ नहीं आती hmm. तो मैं कोई इतना ज्यादा वो नहीं करती मुझे नहीं पता बस मुझसे तो चीजें हो जाती हैं तो ये क्या प्रोसेस है स्क्रिप्ट आता है फिर रब छत पे लेके जाती है चांदनी चांद के नीचे बैठ के उसको पढ़ा जाता है पीछे से समुंदर के साहिल की आवाज आ रही होती है समुंदर की लहरों की मुझे लग रहा है ना कुछ पोएटिक मोड में जा रहे हैं आप भी पाई हैं में भी है। मैं भी पाई मैं इंसान हूँ उल्लू देख सकते हैं कोई एक अदद बल्ब हो या लैंप हो उसमें में पढ़ती है बैठ के फिर सोचती है मतलब आपकी मुझे आपकी बड़ी जो है ना इमेज बड़ी शायराना और वो बहुत बन गई है वो अच्छा वो है आप हैं भी ऐसी हैं मतलब मुझे तो जैसे आप हैं फिर हाँ बिल्कुल वैसा ही शुक्र है खुदा का कि जैसी मैं हूँ वैसी ही लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल और नहीं वो चांद कब जिक्र आपने अच्छा छेड़ा मुझे पसंद है चांद के साथ वक्त गुजारना आसमान के चांद की बात कर रही हूँ मैं

गाने बड़े बड़े लिखे गए ना चंद मेरे तो जी कितने गया हो? जी लेकिन देखें जो अच्छी और प्यारी चीज होगी ना वो खुद बताएगी आपको जैसा हाँ, चांद है ना हाँ, वो बताता है कि मैं चांद हूँ तो चीजें खुद अपने होने का यकीन दिलाती है बस यही है मुझे मुझे नहीं पता देखें अगर चांद नहीं है जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई शख्स नहीं है इंसान तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर निकल जाऊं डेस्परेट होकर और मैं घाट घाट का पानी उसके लिए नहीं

बड़ा प्यारा यकीन है अगर आपको इस तरह के यकीन आना शुरू हो जाए ना तो ये छोटी छोटी जिंदगी में आपकी छोटी छोटी चीजों में मदद करता है रोजमर्रा की बुनियाद पर आपको बहुत सारे फैसले करने होते हैं हर इंसान को तो ये जो हमारा माइंड सेट है ना इस तरह की चीजों का तभी तो आ, ये रिसर्च है कि जिन लोगों का भी अपने मजहब पर जो भी मजहब है आपका उस पर यकीन है ना उनमें खुदकुशी का रेट कम है क्यों क्योंकि फिर आप एक अनसीन खुदाई पर यकीन रखते हैं बिल्कुल फिर आप ये नहीं समझते कि आप ही करता धरता है इस दुनिया में आपको लगता है कोई एक और फोर्स है जो कि आपके लिए चीजें करेगी बिल्कुल तो फिर आपके कंधों से बोझों से कम हो जाता है ये चीजें सब खराब हो गई हो जो कि अमूमन आपको कोई और बचाव की सूरत नहीं दिख रही होती आपको लगता है सब खत्म हो गया बस एक सब तारीख है स्याह है और आपको कुछ नजर नहीं आता इससे वे आउट तो है ही नहीं है जिंदगी खत्म होगी और ऐसी ही रहेगी तो तब एक हस्ती का होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में जो कि खुदा की सूरत में वही अगेन मैं फिर कहूंगी कि वो जो भी आप जिसको भी अपना खुदा मानते हैं और अगर नहीं है तो फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो इसी तरह छोटी छोटी चीजें हैं अगर तोकल नहीं है फिर भी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी मैंने जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लिए थे जो कि मुझे मेरे करीबी कुछ लोगों ने कहा था कि अगर ये ऐसे करोगी तो उसके बाद फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी काम नहीं कर पाओगी बताना चाहेंगे मैं बता देती हूँ <laughs> क्यों नहीं बताना चाहूंगी <laughs> आज तो बताने के लिए बैठी हूँ मैं आपको आपके सामने आ, काम में लेकर ऐसा कुछ हुआ था मेरे मॉडलिंग में इनिशियल डेज में आ, आपको पता है जिस तरह से चीज लोगों को ट्रीट किया जाता है लोगों को लगता है कि ये बहुत एक सोने की चिड़िया वाला हिसाब है ऐसा ऐसा नहीं है हमारे हम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती मेंनत है मेंनत कोई है। भी काम है उसमें अपना नाम बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है मसला ये कि आपको वो बंदा तब दिखता है जब उसका नाम बन चुका होता है आपको वो तब नहीं दिख रहा होता जब वो मेहनत कर रहा होता है तो वो जो पानी से बाहर इतनी सी वो एक चीज निकली आप उसको देख रहे हो जो पानी के अंदर जेरे आप जो सब है वो तो आप नहीं देख रहे यार